ओके तो कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और हमने फाइंड की थी किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टेस्ट चार्ज हमें टेस्ट करके दे रहा था और किसकी वजह से थी, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पी पर हमने फाइंड की थी। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद अब टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस थी जो किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड, जहां तक कोई भी दूसरा चार्ज अगर उस फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, उस स्पेस या उस फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो वहां तक जहां तक भी वो एक्सपीरियंस कर पाएगा अट्रैक्शन या रिपल्शन को, तो उस तक वहां तक के फील्ड को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां तक, वहां तक की लाइंस कुछ इमेजिनरी लाइंस होंगी जिनको हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये इमेजिनरी है, रियलिटी में नहीं है। ठीक है, कुछ लाइंस है इमेजिनरी लाइंस जो ये बताती है कि फील्ड यहां से शुरू हुआ है, यहां पर एंड हो गया। ठीक है ना, तो मतलब ये जो लाइंस बताती हैं, कौन सी लाइन, इमेजिनरी लाइंस, उन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो ये बताती हैं कि फील्ड कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ, क्योंकि कोई भी चार्ज बॉडी होगी उसके आगे पीछे फील्ड बनेगा। ओके, वो फील्ड कहां एंड होना है, कहां से शुरू हुआ है, उस फील्ड को बताने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस यूज होती हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सिंपल सा अगर देखा जाए, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, ये एक किस्म का पाथ है, क्योंकि लाइन है तो लाइन एक रास्ता ही होगा, रास्ता कवर करेगी, क्योंकि हम इमेजिनरी बोल रहे हैं, ठीक है, रियलिटी में नहीं है, बट एक पाथ होगा। वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, वो कर्व्ड भी हो सकता है, ठीक है, कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है पाथ, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इज द पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी, अलोंग विद द यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज टू मूव फ्रीली, जिसमें कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो फ्रीली मूव कर सकता है। ये वो रास्ता है जो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्रीली मूव कर पाए, तो ये उन लाइंस को, उन लाइंस को या उन पाथ्स को जो कर्व हो या स्ट्रेट हो, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इसको अगर हम डिटेल में देखें तो ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो स्टार्ट होती हैं एक चार्ज बॉडी के ऊपर से, जहां पे चार्ज बॉडी होगी वहां से शुरू और जहां पे खत्म होगी वहां पे फील्ड भी खत्म हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कांसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव की तरफ चली जाती है। पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे जाके एंड हो जाना, पहला हो गया। दूसरा देखो, हमें पता है कि हम जब भी किसी कहीं टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट होता है सर्कल या किसी भी कर्व के ऊपर, कोई भी कर्व है उसके ऊपर एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर काट के जाए, सिर्फ एक पॉइंट पर छू कर जाने वाली लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट हमें डायरेक्शन दिखाता है, ये कर्व लाइन के ऊपर अगर ये टेंजेंट है, यहां पे ड्रा करें तो ये टेंजेंट है, यहां पे तो ये, मतलब कि डायरेक्शन दिखा रहा है कि कर्व इस साइड है, ठीक है। तो हर टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन दिखाता है, यहां मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां, हर टेंजेंट ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। ओके, तो ये है सेकंड, कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर उन इलेक्ट्रिक लाइंस पे आप ड्रा करो तो वो फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। ओके, थर्ड है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। अगर क्रॉस करें तो, अगर वो क्रॉस करें, क्यों नहीं करती, अगर वो क्रॉस करें तो वहां पे दो डायरेक्शंस होगी किसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होती है, वो तो एक ही डायरेक्शन होगी, क्या होगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोनों साइड तो नहीं, वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे इसलिए वो क्रॉस नहीं करती है, क्रॉस करेंगी तो जिस पॉइंट पर क्रॉस होंगी ना, तो वहां पे दो डायरेक्शन होगी, क्योंकि टेंजेंट ड्रा करो, इसकी इधर डायरेक्शन, यहां से इधर डायरेक्शन, तो मतलब वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि उसका एक ही डायरेक्शन रही, जो कि इम्पॉसिबल है, होती एक ही है, बट इसकी वजह से दो हो जाती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये बात थी। दिस लाइन ऑफ परपेंडिकुलर, जो कंडक्टर की सरफेस होगी ऊपर वाली, उसके परपेंडिकुलर में ये लाइंस होंगी, जो कंडक्टर की सरफेस होगी उसके हमेशा ये परपेंडिकुलर रहती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये लाइंस ऑफ फोर्स अगर अट्रैक्शन वाली फोर्स है,
ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, अट्रैक्शन वाली जहां पे फोर्स होती है, यानी कि जहां पे अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है, अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो वहां पे ये कंट्रैक्ट करती हैं, पास पास आती हैं, ठीक है। लेकिन एक लिटरल प्रेशर लग जाता है इनके ऊपर अगर चार्जेस सेम सेम हो, दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो इनमें ना लिटरल प्रेशर का मतलब ये होता है, जैसे आपने मैग्नेट्स को देखा, उसके दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है, अगर नॉर्थ और साउथ को पास में लाओगे चिपक जाएगा, लेकिन दूसरा हिस्सा लाओगे ना वो दूर दूर इस तरह से थोड़ा सा दूर दूर की तरफ होते हैं मैग्नेट्स, ठीक है, वो बीच में से एक प्रेशर लग रहा होता है जिसको हम लेटरल प्रेशर कहते हैं। ठीक उसी तरह, क्योंकि वो नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ पोल जुड़ रहे हैं, जो कि जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अपोजिट में। तो ठीक उसी तरह अगर चार्जेस भी वैसे ही है, दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव, तो उस टाइम क्या होगा कि वो भी एक लेटरल प्रेशर को एग्जर्ट करेंगे। मतलब अगर चार्जेस हमारे पास सेम सेम हुए तो लेटरल प्रेशर, अगर चार्जेस अपोजिट हुए तो अट्रैक्शन। ये दो पॉइंट्स होंगे, लेटरल प्रेशर होगा अगर वो अपोजिट हुए, अपोजिट ना हुए तो सेम हुए तो, ओके। ये लाइन जो होती है ये क्लोज इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वहां पर यह क्लोज क्लोज होंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वाइस वर्सा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पर दूर दूर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ज्यादा होगा वहां पास पास होंगी, ओके। जैसे देख लो ना, यहां पे फील्ड ज्यादा होगा तो यहां घनी है, यहां पे दूर दूर है, यहां फिर से घनी है क्योंकि यहां चार्ज है, यहां चार्ज है। जहां पे इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वहां पे ये भी घनी होगी, कौन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ओके। कोई भी क्लोज कंडक्टर हो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं होती है, नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर देयर If the conductor is closed, okay? और lastly मैं आपको बताऊं कि ये जो electric lines of force हैं, ये imaginary lines हैं, जो कि reality में exist नहीं करती, okay? तो ये आपको समझ में आ गया कि electric lines of force क्या होती है और उसकी properties कुछ हमने आज पढ़ ली, okay? तो next topic में हम देखेंगे electric dipole क्या होता है, electric dipole moment क्या होती है, फिर किसी भी dipole पे electric field intensity कैसे find करते हैं, तो ये कुछ topics हैं जो हम कल discuss करेंगे, okay?